गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 7 का एक क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन आपके IERT अथवा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार है, जिसमें आपको कार्बन दे रखा है 92.4% और हाइड्रोजन दे रखा है 7.6%। इसका आपको मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद से मूलानुपाती सूत्र से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आप 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको एक सारणी इस तरीके से ड्रा कर लेना है, जिसमें तत्व रहेगा, प्रतिशतता रहेगा, परमाणु भार रहेगा, परमाणुओं की संख्या रहेगी और सरल अनुपात रहेगा। तत्व आपको दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन आपका 92.4% है और हाइड्रोजन आपका 7.6% है। आपको पता है कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो आपका होता है 12, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो आपका 1 होता है। अब परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देना होता है। परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देना होता है। तो देखिए, कार्बन की निकालते हैं परमाणुओं की संख्या, तो प्रतिशतता है 92.4 और कार्बन का परमाणु भार है 12। उसी प्रकार हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देंगे, तो प्रतिशतता है 7.6 और परमाणु भार 1 है। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 12 7 84, बचेगा आपका 8 4, यानी कि 12 7 84 7.7 आया। उसी प्रकार से जब 1 से भाग देंगे 7.6 में तो आपको मिलेगा 7.6। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है डियर स्टूडेंट, सरल अनुपात क्या होगा? तो सरल अनुपात निकालने के लिए करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कार्बन में परमाणुओं की संख्या 7.7 है ना, तो यहाँ पर आप नोट कर दो 7.7, और हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या आपका है 7.6, तो 7.6 नोट कर दो। अब देखिए 7.7 और 7.6 में कौन छोटा है, 7.7 और 7.6 में कौन छोटा है? तो 7.7 और 7.6 में 7.6 छोटा है, तो 7.6 से आप दोनों जगह भाग दे दो। 7.6 से मैंने दोनों जगह भाग दे दिया, तो यहाँ पर आप 7.7 में 7.6 से भाग देंगे तो आपको नियर अबाउट 1 के आसपास मिलेगा, और 7.6 में 7.6 से भाग देंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो आपको सरल अनुपात लेना है हमेशा आपको एक होल नंबर में लेना है, यानी कि दशमलव में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करते तो 1.0 कुछ आता, लेकिन आपको केवल और केवल 1 लेना है। यहाँ पर जैसे 7.6/7.6 है तो यहाँ पर 1 आ गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आपका 1.75 आता है सरल अनुपात का मान, तो इसको आप 2 ले लीजिए। उसी प्रकार से यदि आपका 1.33 आता है या 1.12 आता है तो इसको आप 1 मानकर चलिए, यानी कि सरल अनुपात आपको हमेशा और हमेशा पूर्णांक में लेना है। तो इस तरीके से कार्बन का जो सरल अनुपात है वो 1 है और हाइड्रोजन का जो सरल अनुपात आपका 1 है। कार्बन का सरल अनुपात भी 1 है और हाइड्रोजन का भी सरल अनुपात 1 है, यानी कि कार्बन का भी 1 है और हाइड्रोजन का भी 1 है, जिसको हम लिख सकते हैं CH के रूप में। इस तरीके से जो आपका मूलानुपाती सूत्र होगा वो आपका CH होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 25.94% नाइट्रोजन है, ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहा होगा वह 100% रहा होगा। इस 100% में डियर स्टूडेंट आपको दे रखा है 25.04% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपका 25.04% है। तो टोटल जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड था वो आपका 100 था, जिसमें आपका नाइट्रोजन 25.04% है, तो आपका ऑक्सीजन कितना रहा होगा? आपका ऑक्सीजन का निकालने के लिए प्रतिशत मात्रा क्या करेंगे, 100 में से 25.04 घटा दो तो आपको मिलेगा 74.96 के रूप में। तो इस तरीके से नाइट्रोजन 25.04% है और ऑक्सीजन 74.96% है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 25 से कम 25, 25 या 75, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो अनुपात होगा वो आपका 1:3 के रूप में होगा। अब चारों ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन से आपको 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो NO दिया है, यानी कि एक भाग नाइट्रोजन है और एक भाग ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक भाग नाइट्रोजन है और तीन भाग ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका है NO2। तो देखो NO2 यानी कि नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन का कितना भाग है, दो है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 1:3 है, यानी यह भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है N2O3। तो देखो N2O3 में यानी कि नाइट्रोजन दो भाग है और ऑक्सीजन तीन भाग है, लेकिन यहाँ तो 1:3 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप चेक कर लो, तो दे रखा है N2O5। N2O5 यानी नाइट्रोजन दो भाग है और ऑक्सीजन आपका पांच भाग है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो मिलेगा आपको 1:3 के अनुपात नियर अबाउट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, एक कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक आकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसमें कार्बन आपको दे रखा है 20%, हाइड्रोजन दे रखा है आपको 6.66% और नाइट्रोजन आपको दे रखा है 46.67%। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको सारणी बना लेना है, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, परमाणुओं की संख्या और सरल अनुपात का। तो सबसे पहले कार्बन का जो परसेंटेज दे रखा है वो आपको दे रखा है 20%, तो कार्बन का परसेंटेज 20 है तो 20 नोट कर दो। उसके बाद से आपका हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है आपको 6.66, तो 6.66 नोट कर दो। उसके बाद से नाइट्रोजन का दे रखा है 46.67, तो 46.67 आपका नाइट्रोजन का दे रखा है। अब देखिएगा ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर आपका कार्बन है 20% और हाइड्रोजन है 6.6% और ये नाइट्रोजन आपका है 46.67%। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि यदि मैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मात्रा को आपस में ऐड करता हूँ तो हमारा आपका 100% के बराबर नहीं आता है। तो हमारा आपका 100% के बराबर नहीं आता है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए करेंगे क्या, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए 100 में से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा दो तो 20 और प्लस का 6.66 और प्लस का 46.67। तो इसको आप घटाएंगे तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मिलेगा वो आपको 26.67% मिलेगा, 26.67%। मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए किया गया है, 100 में से कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंट और नाइट्रोजन का परसेंट घटाया तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मिला वो आपका 26.67% मिला। अब डियर स्टूडेंट,
आपको सबका परमाणु भार नोट कर देना है। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार आपका 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका 16 होता है। कम से कम आपको 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार क्रमांक और परमाणु भार पता होना चाहिए। अब देखिए परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग दे दो तो 20/12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका 6.6/1 हो जाएगा, ये आपका 46.67/14 हो जाएगा और ये आपका 26.67/16 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर लो, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 बचेगा 80, 12 6 72। उसके बाद से यहाँ पर देखो 6.66 आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा 46.67 में 14 से भाग देंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, 4 और 6 14 3 42 यानी 3.33 के अराउंड आएगा। इसको आप भाग ले लो तो 26 16 कम 16 4 20 6 26 यानी 10 6 बचेगा, फिर 16 6 96 यानी 1.6 ये भी आएगा। अब आपको निकालना है सरल अनुपात, तो सरल अनुपात निकालने के लिए करते क्या है, सरल अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले जो परमाणुओं की संख्या है वो नोट कर दो। तो देखो कार्बन का कितना है परमाणु संख्या 1.6, इसका कितना है 6.66, इसका कितना है 3.33, इसका कितना है 1.66। अब करना क्या है सरल अनुपात निकालने के लिए, अब देखो 1.6, 6.66, 3.33 और 1.6 में सबसे छोटा कौन है, तो इन चारों में आप देखेंगे सबसे छोटा 1.6 है, तो 1.6 से आप चारों में भाग दे दो, 1.6 से आप चारों में भाग दे दो। तो मैंने 1.6 से चारों में भाग दिया, तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पर आप भाग देंगे तो 16 चौक 64 यानी यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4, यहाँ पर आप भाग देंगे तो 2 के मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा सरल अनुपात पूर्णांक में लेना, और यहाँ पर आप भाग देंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि कार्बन की जो सरल अनुपात है 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, नाइट्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो कार्बन का 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे C1, हाइड्रोजन का 4 है यानी H4, नाइट्रोजन का जो है यानी N2 और ऑक्सीजन का 1 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सॉरी ये आपका नाइट्रोजन का 2 है ना, तो ये आपका N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 है तो ऑक्सीजन का 1 मैंने लिख दिया। अब आपको डियर स्टूडेंट एक सीक्वेंस में इसको जमाना है, तो एक सीक्वेंस में इसको जमाना है तो कैसे जमाएंगे, तो देखिएगा इसको आपको ऑप्शन से चेक करना है कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, N2O यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी की तरह है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH4N2O के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से यदि आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से है, एक यौगिक का प्रतिशत संघटन नीचे दिया गया है जिसमें कार्बन आपको दे रखा है 52.17%, हाइड्रोजन आपको दे रखा है 13.06%, ऑक्सीजन आपको दे रखा है 34.177%। यदि यौगिक का अणुभार 46 है तो इसका अणुसूत्र है ये आपको बताना है। इसमें आपको कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को भी, तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सॉल्व करना है, बस 1-2 स्टेप और आगे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कार्बन का जो परमाणु भार है वो आपका हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, सेम प्रोसीजर अपनाना है, प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग दे दो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 52.17/12, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13.06/1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 34.77/16। तो कैंसिल आउट कर लो तो क्या मिलेगा 12
चौक 48 हो जाएगा, बचेगा आपका 4 1, तो ये आपका हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36। उसके बाद से यहाँ पर भाग देंगे तो 13.06 आएगा, और यहाँ पर आप भाग दे दो तो 16 2 32 हो जाएगा। उसके बाद से 6 7, तो 16 4 64 हो जाएगा, यानी कि आपको 2.4% के आसपास मिलेगा। 16 2 32, फिर आपका 6 7, फिर 16 4 64, ठीक है। अब देखिएगा, अब डियर स्टूडेंट सरल अनुपात निकाल लेते हैं। तो सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या नोट कर लो, तो 4.3, ये आपका 13.06, और ये आपका है 2.4। अब इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में सबसे छोटा आपका 2.4 है, तो 2.4 से तीनों जगह भाग दे दो। तो 2.4 से मैंने तीनों जगह भाग दे दिया, तो यहाँ पर आपका 24 2 48 आता है, यानी कि 2 के अराउंड आएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, सरल अनुपात पूर्णांक में रखना है, दशमलव में नहीं। अब 2.4 से 0.6 में भाग देंगे तो आपको 6 के आसपास आएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब 2.4 से 2.4 में भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। अब आपका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो कार्बन 2 भाग है, हाइड्रोजन 6 भाग है, और ऑक्सीजन 1 भाग है। तो यहाँ से हम मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन 2 भाग है यानी C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 भाग है यानी H6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 भाग है तो O हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र C2H6O हो जाएगा। अब आप मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाल लो, तो मूलानुपाती सूत्र भार, तो मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र भार आप निकाल लो, तो देखिएगा कार्बन का 2 भाग है, तो 2 गुणे कार्बन का भार 12 होता है, प्लस का हाइड्रोजन का 6 है, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको ऐड कर लो तो 24 प्लस का 6 30 हो जाएगा। 30 और 16 जोड़ोगे कितना होगा, 30 और 16 जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा, यानी कि मूलानुपाती सूत्र भार आपका आ गया 46। अब आप अनुभार भी आपको दे रखा है, अनुभार भी शायद आपको क्वेश्चन में दे रखा है 46, तो अनुभार आपको क्वेश्चन में दे रखा है 46, तो आप अनुभार को देख लो 46। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको चाहिए उसका अणुसूत्र क्या होगा, तो यन की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, यन की वैल्यू निकालने के लिए अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दे देते हैं। यन की वैल्यू निकालने के लिए अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दे देते हैं, तो अणुभार आपका है 46, अब मूलानुपाती सूत्र भार है आपका 46, तो यानी यन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप अणुसूत्र निकाल सकते हैं, तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर आपका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र इनटू का यन। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, C2H6O इनटू का यन कर दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H6O ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यन की वैल्यू 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपका डियर स्टूडेंट C2H6O, C2H6O किसी में नहीं दिया है, यानी कि इसको और कुछ ना कुछ किया होगा। तो देखिएगा C2H6O को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C2H5OH के रूप में। 2 भाग कार्बन है तो 2 भाग कार्बन, हाइड्रोजन 6 भाग है तो 5 और 1 6 है तो 6 भाग, ऑक्सीजन 1 है तो 1, यानी कि C2H6O को C2H5OH के रूप में लिख रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, एक धातु यम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। तो एक धातु यम के क्लोराइड का सूत्र आपको दे रखा है MCl2, तो सबसे पहले करेंगे क्या, MCl2 में हम यम का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो हमको यम की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तो यम ही रख देते हैं, प्लस का क्लोराइड
क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो जो आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। यानी कि क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करे तो अपनी अष्टक पूरा कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, यदि कोई भी तत्व तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पे चार्ज जो आता है माइनस, और त्यागता है तो प्लस आता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि इसकी संयोजकता माइनस का एक होगा, तो 2 × −1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से यम की जो संयोजकता आएगी वो आपका हो जाएगा 2। यम की संयोजकता आ जाएगी वो आपका 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यम 2 के रूप में। तो बोला है कि इसके फास्फेट का सूत्र, तो फास्फेट का सूत्र क्या होता है? फास्फेट का सूत्र होता है PO4 − 3। फास्फेट का जो सूत्र होता है वो आपका PO4 − 3। अब बना लेते हैं, तो इस कंडीशन में कराने पर क्या होगा, जो यम का गुणांक है वो पी के साथ जाएगा और जो पी का गुणांक है वो आपका यम के साथ आएगा। तो देखिएगा, आपको मिल जाएगा यम 3 PO4 का 12। होता क्या है, इसमें एक्सचेंज हो जाता है, यानी 2 PO4 के साथ चला जाता है और 3 जो है यम 3 के साथ, तो यम 3 PO4 का 12 हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से है, आपको बोल रखा है एक हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका वाष्प घनत्व आपको दे रखा है 39। तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम करते क्या है, यौगिक का अणुभार निकाल लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, यौगिक का अणुभार निकालेंगे, यौगिक का अणुभार। तो यौगिक का अणुभार का फार्मूला होता है 2 × वाष्प घनत्व। यौगिक के अणुभार का सूत्र होता है 2 × वाष्प घनत्व। 2 × वाष्प घनत्व तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 39, तो 39 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 78। यानी यौगिक का जो अणुभार आ गया वो आपका 78 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन का आप मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लो। हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र भार, तो हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा, तो हाइड्रोजन का भार प्लस का कार्बन का भार, तो हाइड्रोजन का एक और कार्बन का भार है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र भार आपका हो जाएगा 13। तो अब आप यन की वैल्यू निकाल लो। तो यन की वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, यन की वैल्यू निकालने के लिए अणु भार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दे देते हैं। यन की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है, अणु भार में मूलानुपाती सूत्र भार से हम भाग दे देते हैं। तो अणु भार है आपका 78, अब मूलानुपाती सूत्र भार है आपका 13, तो 13 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी यन की वैल्यू आपको मिल गया 6। अब आपको चाहिए अणुसूत्र, तो अणुसूत्र की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अणुसूत्र की वैल्यू निकालने के लिए आपको मूलानुपाती सूत्र इंटू का यन कर देना है। तो मूलानुपाती सूत्र आपका क्या है, मूलानुपाती सूत्र आपका CH है, क्योंकि CH की ही बात हो रही है, तो मूलानुपाती सूत्र आपका CH हो जाएगा और n की वैल्यू 6 है, तो CH में 6 से गुणा कराएंगे तो C6H6 मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर जो CuO की मात्रा प्राप्त होती है उसकी अभिक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम CaCO3 की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका CaCO3 होता है इसको आप गर्म करेंगे, ये गर्म का सिंबल है, तो आपको मिलेगा CaO प्लस का मिल जाएगा H2O। अब आप ये देखिए डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर CaCO3 का भार कितना है, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40,
कार्बन का 12 है और 3 भाग ऑक्सीजन है, तो 3 × 16 यानी कि टोटल कितना आया, 16 × 3 = 48 और 12 = 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि CaCO3 का जो भार है वो आपका है 100। अब यहाँ पर CaO का भार निकाल लो, तो कैल्शियम का है 40 प्लस का ऑक्सीजन का है 16, यानी कि CaO का जो भार है वो आपका 56 है। तो आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम आपको CaO मिल रहा है। 100 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर आपको जो CaO की मात्रा मिल रही है वो आपको मिल रही है 56 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम आपको CaO मिल रहा है, तो 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर आपको CaO की मात्रा कितनी मिलेगी, 100 ग्राम पे 56, तो 200 ग्राम पे कितना हो जाएगा, 112, क्योंकि उसी का डबल हो जाएगा। अब आप डियर स्टूडेंट अभिक्रिया कराते हैं तो देखिएगा, जब CaO का आप H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा CaOH का ट्वायर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि CaO को अभिक्रिया करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है, इस CaO को अभिक्रिया करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है, तो CaO का भार कितना है, तो आप यहाँ पर निकालें CaO का भार 56 है, यानी कि 56 ग्राम CaO को अभिक्रिया कराने के लिए जो जल की आवश्यकता है कितना है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और H16 है, यानी कि जल की जो आवश्यकता है वो आपका 18 है, यानी कि 56 ग्राम CaO को गर्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं 18 ग्राम जल की आवश्यकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम CaCO3 में आपको 112 ग्राम CaO मिल रहा है, तो 56 ग्राम में आपको 18 ग्राम जल की आवश्यकता है, तो 112 ग्राम में कितने भाग जल की आवश्यकता होगी, 36 ग्राम की, क्योंकि 56 ग्राम में 18 है, तो 56 का डबल आपका होता है 112, तो 56 में 18 होगा तो 112 में 36 ग्राम होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस प्रकार से है, बोला है फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता होगी, तो फेरस सल्फेट का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है FeSO4। तो फेरस सल्फेट में आपको फेरस मूलस की संयोजकता यानी Fe की संयोजकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि फेरस यानी Fe की जो संयोजकता है वो आपका X है, प्लस का सल्फर की संयोजकता क्या होगी, तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 8 और 6 के रूप में, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका है 6। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 6 प्लस का 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2 = 0, तो यहाँ पर मिल जाएगा यक्स प्लस 6 माइनस का 8 = 0, तो यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2। इस तरीके से आपका जो फेरस मूलक की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, फास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र आपको दे रखा है M3PO4 है, एक धातु यम के ऑक्साइड का सूत्र आपका MO है, इस धातु के फास्फेट का अणुसूत्र लिखिए। तो इस धातु के फास्फेट का जो अणुसूत्र होगा वो M3PO4 का ट्वाइस होगा, क्या होगा, M3PO4 का ट्वाइस होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से समझिएगा, बोला है एक कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन आपको 6.67%, कार्बन 40% और शेष आपका ऑक्सीजन है, इसके 0.6 ग्राम का NTP का आयतन 240 सेमी है, तो आपको यौगिक का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दे रखा है 6.67 और कार्बन का दे रखा है 40, ऑक्सीजन का नहीं पता है, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए करेंगे क्या, 100 में से
हाइड्रोजन का और कार्बन का घटा दो, तो 100 में से हाइड्रोजन का और कार्बन का घटाओगे तो आपको मिलेगा 53.33, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपका 53.33% है। अब बात करते हैं परमाणु भार का, तो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए प्रति सप्ताह में परमाणु भार से भाग दे दो, तो 6.67/1, 40/12 और 53.33/16। इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप भाग देंगे तो 6.67 मिलेगा, यहाँ पर आप भाग देंगे तो 12 3 36 बचेगा, 4 0 12 3 36, यहाँ पर आप भाग देंगे तो 12 4 48 बचेगा आपका 7 3, तो 12 6 का आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। 16 3 48 होगा यार ये, 16 3 48, फिर आपका बचेगा 5 3, फिर आपका हो जाएगा 16 3 48, यानी 3.3 आएगा। अब सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये मोलों की संख्या नोट कर लो, तो 6.67, ये आपका 3.3, ये आपका 3.33 कर लो। तो अब तीनों में सबसे छोटा क्या है, 3.33, तो 3.33 से सब जगह भाग दे दो, तो 3.33, 3.33, उसके बाद से आपका 3.33, तो भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2 भाग आएगा, यहाँ पर आपका 1 भाग आएगा और यहाँ पर आपका 1 भाग आएगा, यानी हाइड्रोजन 2 भाग है, कार्बन 1 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है। तो इसका आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका जो आपका मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो आपका हाइड्रोजन का जो भाग है यानी H2, कार्बन का 1 भाग है और ऑक्सीजन का 1 भाग है, तो इसको आप एक सीक्वेंस में लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा CH2O, यानी मूलानुपाती सूत्र आपका आ गया CH2O। अब आप अणु भार निकाल लो, तो अणु भार निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर बात हो रही है 0.6 ग्राम के 224 जी आयतन पर, तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा बट्टे का, कितना आयतन ले रहा है, आयतन इसमें ले रहा है 224 इंटू का आपका हो जाएगा 224 और 00, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि जो अणुभार है वो आपका 60 है। अब आप मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लो, तो मूलानुपाती सूत्रभार, तो मूलानुपाती सूत्रभार कैसे निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्रभार निकालने के लिए हमको CH2O का भार निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखो कार्बन का जो भार है वो आपका है 12, प्लस का हाइड्रोजन का 2 भाग है तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 1 भाग है तो 16, तो हो जाएगा 16 2 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, यानी कि मूलानुपाती सूत्रभार आपका आ जाएगा 30। अब आप अणुसूत्र निकाल सकते हैं, तो एन की वैल्यू पहले निकालो, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, एन की वैल्यू निकालने के लिए अणु भार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दे दो, तो अणु भार आपका है 60, मूलानुपाती सूत्र भार है आपका 30, तो यहाँ से एन की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। अब आप अणुसूत्र निकाल लो, तो अणुसूत्र निकालने के लिए करेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र में एन से गुणा कर देंगे, तो मूलानुपाती सूत्र आपका है CH2O, इसमें एन से गुणा तो एन की वैल्यू 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा आपको C2H4O2। C2H4O2 के रूप में आपके ऑप्शंस नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH के रूप में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CH3COOH। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस प्रकार से, निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालने के लिए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, इसका अणुभार निकालो तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, सल्फर का परमाणु भार आपका होता है 32 क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है 16, ऑक्सीजन का लिख लो तो 4 गुणे 16 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 + 32 + 64 ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो आपको 98 मिल जाएगा, यानी कि
सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार 98 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, 46 ग्राम सोडियम को जल से क्रिया करने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। तो 46 ग्राम सोडियम की बात हो रही है। आपको पता है डियर स्टूडेंट की जो सोडियम का परमाणु भार होता है वो आपका 23 होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। लेकिन बात हो रही है 46 ग्राम सोडियम की। आपको पता है एक सोडियम का भार 23 ग्राम है, लेकिन बात हो रही है 46 ग्राम की, यानी कि दो भाग सोडियम यूज किया होगा। तो यहाँ पर आपका N2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 46 ग्राम सोडियम है तो एक भाग सोडियम का 23 ग्राम है, यानी कि दो भाग सोडियम यूज किया होगा तभी आपका 46 ग्राम सोडियम है। तो बोला है 46 ग्राम सोडियम को जल से क्रिया कराने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसको आप जल से क्रिया करा लो, तो 2H2O से मैं अभिक्रिया करा लेता हूँ तो आपको मिल जाएगा 2NaOH+ का H2 के रूप में। यानी कि 46 ग्राम सोडियम को आप जल से अभिक्रिया कराओगे तो 2NaOH+ का H2 मिलेगा। आपको यह बताना है कि हाइड्रोजन गैस कितना प्राप्त होगा। तो देखिएगा, दो भाग हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो दो, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है तो 2×1 यानी 2। इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी वो आपका 2 होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को मैं आपको बताऊंगा, अब क्वेश्चन नंबर 27 आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को, बोला है 1.9750 ग्राम गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CA होता है। इसको इन्होंने अभिक्रिया कराया है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉपर प्लस का H2O। तो देख लेते हैं यहाँ पर CuO का कितना भार है और Cu का कितना भार है। तो देखिएगा CuO का भार देख लेते हैं, तो जो Cu का जो परमाणु भार होता है वो आपका 63 होता है और ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 79, यानी कि 79U से आपको जल की मात्रा कितनी मिल रही है। तो 79U से जल की मात्रा देख लो कितनी मिल रही है, तो 2×1+16 है, यानी कि जल की मात्रा मिल रही है 18। यानी कि 79 ग्राम CuO से प्राप्त जो जल की मात्रा है वो आपका है 18 ग्राम। तो 79 ग्राम से 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, 1 ग्राम से आपका 18/79 प्राप्त होगा। लेकिन आपको बताना है 1.9750 CuO से, तो दोनों साइड आप 1.9750 से गुणा कर लो, 1.9750 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जो जल की मात्रा मिलेगी इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 0.45% मिलेगा। यानी कि जो जल की मात्रा होगी 1.9750 ग्राम CuO में वो आपका 0.45 ग्राम होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।